सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब खबर है कि वीवीपैट मामले में सभी मांग खारिज। ईवीएम वीवीपैट केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। इसको लेकर काफी लंबी वहां पर दलीलें रखी गई थी ईवीएम के खिलाफ और ईवीएम के पक्ष में सरकार चुनाव आयोग की तरफ से वहां पर जानकारी दी गई थी। अब है कि बैलेट समेत सभी मांग खारिज कर दी गई है। ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सारी मांगे खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था, लंबी दलीलें चली थी और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी कहा था कि हम केवल संदेह के आधार पर कुछ नहीं कह सकते, हमें यहां पर तथ्य चाहिए होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव गए थे जिन्होंने ईवीएम की प्रोग्रामिंग को लेकर वहां पर चुनाव आयोग का पक्ष रखा था। वीवीपैट की पर्ची मिलान को लेकर भी बात हुई थी। अब जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि हम दो निर्देश दे रहे हैं, ईवीएम वीवीपैट मामले में सारी मांगे खारिज कर दी गई है। यह बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम दो निर्देश दे रहे हैं। अब वो क्या दो निर्देश हैं, बस थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है जी। जो जानकारी दी गई है वो ये कि सिंबल लोडिंग यूनिट सील की जाए, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट पूरी तरह से चेक की जाए। ये दो निर्देश दिए गए हैं। जो दो निर्देश दिए गए हैं वो ये कि सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाए, यानी जहां से सिंबल लोड किए जाते हैं वीवीपैट मशीन में उसे सील किया जाए। कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को पूरी तरह से चेक किया जाए, ये भी कहा गया है। तो दो निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन वो तमाम मांगें जो की जा रही थी उन सभी मांगों को खारिज किया है। बैलेट समेत सभी मांग पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से यह भी कहा गया कि हम दो निर्देश दे रहे हैं। जो दो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाना है और इसके अलावा कंट्रोल यूनिट जो वीवीपैट की है उसे पूरी तरह से चेक भी किया जाए। ये दो निर्देश दिए गए हैं। और ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलान की मांग थी। एडीआर की तरफ से याचिका रखी गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और कल उन्होंने कहा था कि आज, यानी जब हम बात कर रहे हैं, कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाई जाएगी। और अब उन्होंने फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा कि दो निर्देश दिए हैं और दो निर्देश आपके सामने हैं। एक, वीवीपैट पूरी तरह से चेक किया जाए और दूसरा निर्देश यहां पर यह है। पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, दो निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बताइए और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में? बिल्कुल, देखिए जस्टिस संजीव खन्ना ने बैठते ही ये स्पष्ट किया कि दो फैसले दिए जाएंगे। पहला फैसला जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से दिया गया है और उसमें सीधे तौर पर ये कहा गया है कि बैलेट समेत सभी जो मांग की गई थी याचिकाकर्ताओं की ओर से वो अभी इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती है और स्थिति में हम उसे खारिज करते हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले में दो निर्देश अभी जारी किए हैं। वो पहला निर्देश ये है कि सिंबल लोडिंग यूनिट को पूरी तरह से सील किया जाए और उसे 45 डेज के लिए पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जबकि दूसरा निर्देश कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएट को लेकर के है कि उसको पूरी तरह से चेक किया जाए। जो मिलान किया जाता है उसमें जितनी भी सावधानी बरती जा सकती है वो सावधानी बरती जाए। नहीं, लेकिन पीयूष एक चीज, एक जानकारी ये दीजिए, अभी जो ये निर्देश आए हैं ईवीएम को लेकर, हम तब बात कर रहे हैं जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण का मतदान जारी है, तो ये कब से लागू होंगे निर्देश सुप्रीम कोर्ट के? देखिए बिल्कुल, अभी फैसले की प्रति पढ़ी जा रही है। अभी जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से फैसला दिया जा रहा है जबकि इसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता की ओर से फैसला दिया जाएगा। तो अभी फैसले की सुनाने की प्रक्रिया जारी है, इसलिए आप थोड़ा समय और दें तब मैं ये स्पष्ट कर पाऊंगा कि ये जो फैसला है वो कब से लागू किया जाएगा। ये संभावना बनती है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही ये फैसले को लागू करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाए। और इस मामले में जो अभी तक का निर्देश है कि याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से जो मांग की गई थी कि बैलेट से चुनाव कराया जा सकता है और उसके अलावा अन्य दो विकल्प भी दिए गए थे, तो वो विकल्प और बैलेट से। पीयूष, आप नजर बनाए रखें अभी, क्योंकि फैसला पढ़ा जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना पक्ष रखा है सामने, जस्टिस दीपांकर दत्ता भी इस पर क्या फैसला सुनाते हैं वो भी सामने आएगा। लेकिन अभी जो जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा कहा गया है उसमें उन्होंने सभी मांगे खारिज की हैं, लेकिन दो निर्देश जारी किए हैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं। आनंद, ये जब फैसला सुनाया जा रहा है वो ऐसे समय में है जबकि मतदान हो रहा है, तब जबकि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकी तमाम विपक्षी दलों द्वारा लगातार मांग उठती रही है ईवीएम और वीवीपैट को किस तरह से मिलान कराया जाए उसको लेकर, तो ऐसे में बहुत अहमियत रखता है ये फैसला जब अभी आ रहा है फैसला। बिल्कुल, अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि चूंकि
चुनाव को सुप्रीम कोर्ट नियंत्रित नहीं कर सकता, साथ ही साथ चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता और नहीं करने की कोई संभावना है, नहीं कोई उससे विचार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है चुनाव कैसे कराना है और उसको किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करना है, ये चुनाव आयोग का काम है जो एक संवैधानिक संस्था है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और दो मांगे की गई थी, एक मांग की गई थी कि जो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए और दूसरी जो और आनंद आनंद मैं आपको माफ कीजिएगा रोक रही हूँ, वापस आपके पास आएंगे क्योंकि ये दो बड़ी खबर है, ये बता दें और इसी पर फिर आपका रिएक्शन लेंगे जो आप बता भी रहे हैं कि अब ईवीएम से ही चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी उसे खारिज कर दिया गया, तो जो मांगें सामने रखी गई थी उन्हें खारिज किया गया, यानी ईवीएम से ही चुनाव होगा ये कहा गया है। अभी तक जो फैसला पड़ा जा रहा है उसके मुताबिक ईवीएम से ही मतदान होगा, बैलेट पेपर की मांग को खारिज किया गया है, ये अपने आप में बड़ा पक्ष है। आनंद बिल्कुल जाहिर तौर पर चूंकि भारत इतना बड़ा देश है, करोड़ों यहाँ पे मतदाता है, अगर आप सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो आज की तारीख में ये फिजिबल नहीं है और दुनिया जो है आगे बढ़ रही है और बैलेट पेपर पर चुनाव कराना यानी कि आपको पीछे जाना होगा, जो स्वीकार नहीं किया जाता, जो कि एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो यही वजह है कि जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और यही बात जो ईवीएम पे जो वोट डाले जाते हैं और जो उनकी वीवीपैट जो पर्चियां निकलती है उनके 100% मिलान की तो उसको भी फिलहाल खारिज कर दिया गया है। अगर कहीं पे आपत्ति होती ठीक है। आनंद 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 आप बड़ी बात कर रहे हैं, पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पंकज भी है, हमारे साथ कुमार विक्रांत भी है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पीयूष मुझे ये बताइए क्योंकि अभी तक जो था वो था कि 5 मतदान केंद्र होते थे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जिसमें ईवीएम और वीवीपैट का मिलान होता था, तो वही यथास्थिति जारी रहेगी, केवल सिंबल लोडिंग जो यूनिट है उसका मिलान और वीवीपैट की जो कंट्रोल यूनिट है या जो उसको सील, यही कहा है कोर्ट ने। बिल्कुल, देखिए अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो ये निर्देश है कि इस मामले में जो सतर्कता और सुरक्षा है उसको और सघन किया जाना चाहिए, इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो दो निर्देश हैं वो इसी से संबंधित हैं, जबकि इस मामले में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी और उसमें ये सुझाव दिया गया था कि बैलेट से कराया जा सकता है, बारकोड किया जा सकता है, ये सभी जो मांग थी उनको खारिज कर दिया गया है। तो दो निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से फैसले में दिए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग को यह कहा गया है कि आप इस मामले में जो सतर्कता और सावधानी है उसको और बेहतर करें। तो इस मामले में जो सवाल अभी तक उठाए गए थे याचिकाकर्ताओं की ओर से उसको लेकर के जो मांगे थी वो खारिज कर दी गई हैं, जबकि जो दो निर्देश हैं वो सतर्कता और सावधानी को लेकर के ही हैं। जी गौरव, तो पीयूष दरअसल और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जाए वीवीपैट से मिलान को लेकर, सतर्कता कैसे बरती जाए, उसके लिए तो दिशा निर्देश दिए हैं लेकिन तमाम मांगों को खारिज किया है जो राजनीतिक तौर पर भी बार बार उठाई जाती रही हैं, जो कोर्ट के सामने भी उठाई गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सुमारा, देखिए जो मांगे थी वो लोकसभा चुनाव के बीच जब इस मामले पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगातार 2 दिन चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनसे तमाम सवाल पूछे, 200 से ज़्यादा सवाल जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच की ओर से पूछे गए और उसके बाद इस मामले में फिर से एक बार फैसला सुरक्षित रखने के बाद फिर से एक बार जो उनके क्वेश्चंस थे उसके लिए एक बार फिर से बेंच बैठी और दोबारा से बुधवार को इस पर फैसला सुरक्षित किया गया। इसके बाद जब आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें पीयूष एक जानकारी आप बोलते रहिए उसमें दे दीजिए, ये सारी जो ये जो फैसला है क्योंकि एक याचिका नहीं थी, कई सारी याचिकाएं थी, उन सभी को क्लब करके ये फैसला आया या केवल एडीआर पर आया? देखिए सभी याचिकाएं और आवेदन जो इस मामले में दाखिल किए गए थे वो सभी याचिकाओं में जो मांग की गई थी वो सभी खारिज कर दिए गए हैं इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना के फैसले में, और जस्टिस दीपांकर दत्ता अभी अपना फैसला पढ़ रहे हैं। ये संभावना बनती है कि उनका फैसला इससे इतर हो या फिर उसमें कुछ अलग सुझाव दिए जाएं। जी हाँ, लेकिन हमारे साथ हमारे तमाम जो पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं, अमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद, बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के दौरान सुनवाई भी हुई है, चुनाव के दौरान अभी इस पर एक जो जस्टिस खन्ना है उनकी तरफ से फैसला भी सुनाया गया, दीपांकर दत्ता भी अपना फैसला पढ़ेंगे सुनाएंगे, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो तमाम मांगें सामने रखी गई थी उन्हें खारिज किया गया है। ये चुनावी मुद्दा भी है, बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है क्योंकि इसके इर्द गिर्द राजनीति होती है हमारे देश में लगातार, बार बार ईवीएम की बात होती है, बैलेट की बात होती है, अब उस मांग को खारिज किया गया, इसका क्या असर आप देखते हैं?
देखिए सर, मेरा सीधी सी बात है, कोर्ट ने बुधवार को जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया था उसमें जो ये बात कही थी कि हम किसी के संदेह के आधार पर फैसला नहीं सुना सकते थे, और कोर्ट ने एक एक चीज़ एक एक प्रश्न पूछा इलेक्शन कमीशन से और उसने जवाब दिया कि ये टेम्पर प्रूफ है कि नहीं है, इसमें कितनी छेड़छाड़ की संभावना है, ये जानने की कोशिश कोर्ट ने की, और कोर्ट जब संतुष्ट हो गया तब उसने आज ये फैसला दिया। निश्चित तौर पर चुनावों में इसका मुद्दा हमेशा गर्माता रहा है, जब भी बीजेपी को छोड़कर जो विपक्षी दल है चुनाव हारता है तो ईवीएम का प्रश्न उठता है, और बीजेपी ने भी 2004 में ये इस प्रश्न को उठाया था, 2009 में इस प्रश्न को उठाया था, माफ कीजिएगा, लेकिन उसके अलावा बीजेपी इस प्रश्न को अब दोबारा नहीं उठाती है, लेकिन कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जब भी चुनाव हारते हैं तो ये प्रश्न उठता है। निश्चित तौर पर ठीक है, अमोद आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन कुमार विक्रांत के पास जाना पड़ेगा। कुमार, कांग्रेस पार्टी भी ईवीएम पर लगातार सवाल उठाती रही है, उसने कहा है कि हम नहीं कह रहे कि बैलेट पेपर, प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं, प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं, इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें, और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए, और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नड होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नड मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 वीवीपैट सॉरी ईवीएम यूनिट्स की बर्नड मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरख्वास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं, सो टुडे द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स जजमेंट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट। आवर डिमांड वॉज दैट बिकॉज द ईवीएम्स हैव अ प्रोग्रामेबल मेमोरी and therefore can be manipulated, so in order to avoid public apprehension about प्रशांत भूषण यहाँ पर कह रहे हैं, ADR की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हमारी EVM से जुड़ी मांगे खारिज कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमने कहा था कि VVPAT से 100% मिलान हो। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार, कांग्रेस भी ये कह रही थी कि बैलेट पेपर हम नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि ईवीएम से जो वोट पड़े उसकी वीवीपैट की पर्ची से 100% मिलान हो। अब क्योंकि ये मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका माने इसको? निश्चित तौर पर राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह से लेकर सैम पित्रोदा तक तमाम कांग्रेस के नेता और विपक्षी नेताओं के साथ लगातार ये मांग करते आए हैं कि बैलेट से चुनाव हो और अगर बैलेट से नहीं होता है तो कम से कम वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये याचिकाएं खारिज कर दी हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक झटका है ये, और आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है, अब उसके पास रास्ता क्या बचता है, क्योंकि अब तो उसको इसी ईवीएम के जरिए ही चुनाव में जाना होगा। लगातार कांग्रेस पार्टी
के तमाम नेता ये सवाल उठाते रहे और उनका कहना था कि हमको सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको झटका दिया है तो अगला कदम क्या वो उठाते हैं, क्योंकि अब दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, पाँच चरण के चुनाव बाकी हैं, ऐसे में कोई नई व्यवस्था उनको मिल जाए ऐसा होने वाला नहीं है। अब उनके पास सिवाय बयानबाजी के अभी फिलहाल तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं। जी हाँ, हमारे साथ पीयूष भी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, अभी जो प्रशांत भूषण ने जानकारी दी है उसे अगर आप और विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इसमें कोर्ट ने कई ऑब्जर्वेशंस देकर कहा है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग मांग है। उन्होंने कहा है कि बर्न मेमोरी को रखा जाए, उसको दूसरे और तीसरे नंबर का कैंडिडेट चुनौती दे सकता है, टेक्निकल टीम उसका असेसमेंट करेगी, ये सब कब से लागू होगा और ये जो ऑब्जर्वेशन है इनके क्या मायने हैं? पीयूष, अब तक आवाज आ रही है? पीयूष, आपको आवाज मिल रही है? लगता है सुमारा पीयूष तक आवाज जा रही है, पीयूष को आवाज नहीं मिल रही है। पीयूष, अगर मिल रही है आवाज आपको, तो प्रशांत भूषण ने जो जानकारी दी है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट के, उसके क्या मायने हैं वो अगर आप बता पाए। जी सुमारा, देखिए इसमें दो अहम बातें ये कही गई हैं कि 7 दिनों तक जो गड़बड़ी है उसकी जांच की मांग की अगर की जाती है प्रत्याशी की ओर से तो उसको जांचा जाएगा, और दूसरी बात यह है कि कंट्रोल यूनिट की सुरक्षा और वीवीपीएट की सुरक्षा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यवस्था पर किसी भी संदेह के आधार पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता है, और उन्होंने समान ही फैसला दिया है जो जस्टिस संजीव खन्ना का है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने इस मामले में जो याचिकाएं थी वो सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, और वीवीपीएट और ईवीएम से 100% मिलान की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है। साथ ही में जो याचिकाकर्ताओं की ओर से ये कहा गया था कि अगर ये मिलान नहीं कराया जा सकता तो ऐसी स्थिति में बैलेट से या फिर अन्य तरीकों को अपनाया जाए, 3 सुझाव दिए गए थे, उन तीनों सुझावों को भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और सिर्फ 2 निर्देश दिए हैं। उसमें पहला निर्देश सुरक्षा और सतर्कता को लेकर के है, दूसरा निर्देश जो है वो ये है कि आप प्रत्याशियों की अगर कोई मांग होती है कि इसमें गड़बड़ी उन्हें लग रही है या उनकी आशंका है तो ऐसी स्थिति में 7 दिनों के भीतर वो जांच कराई जाएगी चुनाव आयोग की ओर से, और उसमें फिर स्पष्टता दी जाएगी कि आखिर मसला क्या था। जी जी। दूसरी ओर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने पीयूष इस मामले में प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि के समान ही फैसला दिया। जी। चुनाव आयोग बारकोड से क्या मिलान किया जा सकता है, क्या बारकोड हो सकता है, इसके बारे में जांच करें और बताएं, तो क्या इसके बारे में आगे चुनाव आयोग को और अपने ऑब्जर्वेशन देने होंगे? देखिए ये जो सुझाव था वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखा गया था कि बारकोड से क्या कराया जा सकता है, इस तरह से मिलान क्या कराया जा सकता है, यानी कि हर एक जो वोटर है उसको बारकोड दे दिया जाए और उस बारकोड के साथ में ही जब वो वहाँ पर वोट डालने के लिए आए तो उस बारकोड के जरिए ही जब वो वोट डाल दे तो एक जो पर्ची निकले उसमें भी बारकोड रहे और दोनों का बाद में मिलान कराया जा सके। इसको लेकर के जो सवाल सुप्रीम कोर्ट का है वो चुनाव आयोग की ओर से को किया गया है, और अब चुनाव आयोग को इसमें एडिशनली अपना जवाब स्पष्ट करना होगा कि आखिर ठीक है बारकोड के जरिए क्या कोई मिलान कराने की व्यवस्था कराई जा सकती है या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही ये कराए जाने की मांग पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से रखी गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया था तब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि मौजूदा स्थिति में इसे नहीं लागू कराया जा सकता, लेकिन हम चुनाव आयोग से ये जरूर पूछेंगे कि क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या ऐसी संभावना बनती है। हालांकि उस समय चुनाव आयोग ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब तलब कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग इस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब देगा। जी जी सुमारा, ठीक है पीयूष। देखिए तो पंकज, मैं अब आपके पास आऊंगा। पीयूष तो टेक्निकल बातें बता रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम को लेकर क्या हुआ, लेकिन मैं बात नैरेटिव की करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है या ईवीएम से जो चुनाव के नतीजे हैं उनमें बदलाव किए जा सकते हैं। क्या कांग्रेस बीच चुनाव उस नैरेटिव को या उस मांग को एक झटका लगा है आज कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से, और एक नैरेटिव ईवीएम को लेकर जो बनाने की कोशिश थी या जो मांग थी वो नैरेटिव एक बार फिर से उनका टूटा है और कांग्रेस पार्टी के लिए बीच चुनाव एक बुरी खबर है?
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं गौरव, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, ये दोनों बड़ी ताकतें हैं यूपी में अगर पॉलिटिकल प्लेयर की हम बात करें। मुझे याद है 2019 के जब चुनाव खत्म हुए, खत्म होने के बाद देर शाम मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हार की जिम्मेदारी यानी ठीकरा जो है ईवीएम पे फोड़ दिया था, और तब जबकि सपा और बसपा का गठबंधन था तब भी उन्हें 10 सीटें मिली थी। यहाँ भी अगर हम देखें अखिलेश यादव और मायावती लगातार ये कहते रहे हैं कि ईवीएम टेम्पर होता है, ईवीएम को मैनेज किया जाता है, उस वजह से बीजेपी की जीत होती है। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अगर हम देखें इस बीच लोकसभा चुनाव में जो बहुत बड़ी मांग थी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव इन विपक्षी नेताओं ने बना रखा था, विपक्षी पार्टियों ने बना रखा था कि बीजेपी ईवीएम की वजह से जीत जाती है, उसको एक बड़ा झटका लगा है। अमोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमोद, बीजेपी क्योंकि लगातार ये कहती रही है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियां इस मुद्दे को सिर्फ तभी उठाते हैं जब वो चुनाव हार जाते हैं, जब वो जीतते हैं तब वो इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, तो क्या एक बार फिर इसी के इर्द गिर्द हम बयानबाजी सुनेंगे कि देखिए यही फिर मुद्दा उठाएंगे? और अब देखिए कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ चुका है उनके खिलाफ जो मांग कर रहे थे। निश्चित तौर पर देखिए सुमेरा, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, तो उनसे यह सवाल पूछा जाएगा। लेकिन बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि जब ये चुनाव जीतते हैं, जब विपक्षी दल चुनाव जीतता है तब ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे सवाल खड़ा क्यों किया जाता है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों की जाती है। हाल के दिनों में अगर बात करें तो हिमाचल में, कर्नाटक में या तेलंगाना में सब जगह कांग्रेस जीती है और उसके उस वहाँ तब कोई ईवीएम पे प्रश्न नहीं उठाया है, तब कोई वीवीपैट मिलान की बात नहीं की जाती है, लेकिन उसके अलावा अगर चुनाव जब भी हारते हैं तब ये प्रश्न उठाया जाता है। तो बीजेपी हमेशा इस बात को काउंटर करती रही। हालांकि बीजेपी ने 2009 में लालकृष्ण आडवाणी तब प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, उसने भी ये बात उठाई थी। तो कहीं ना कहीं नेताओं की जो खींच है और एक परसेप्शन है, जब हारते हैं तो उनको कुछ जब सूझता नहीं है तो ऐसा लगता है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जाती है, जैसा कि पंकज बता रहे थे मायावती ने 2019 में किया था। जयशंकर गुप्ता हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट और पुष्पेश पंत जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। जयशंकर जी, बीच चुनाव में विपक्षी पार्टियों की मांग को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलना और ईवीएम वीवीपैट की जो मांग है खारिज हो जाना 7% मिलान की, कैसे देखते हैं आप इसको जयशंकर जी? नहीं, ये तो पहले से ही तय लग रहा था कि इसी तरह का कोई फैसला आएगा, क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई हो और एक चरण का मतदान संपन्न हो चुका हो, दूसरे चरण का मतदान हो रहा हो, तो ऐसे समय में तो कैसे कोई कर सकता है कि ईवीएम को रद्द करके फिर बैलेट बॉक्स से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा था, लेकिन ये तय था कि इसी तरह का कोई फैसला आएगा। दूसरी बात यह है कि आप ये भी समझ लीजिए कि जो वर्तमान जो 17वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल मेरे ख्याल से 16 जून तक है, तो उसके पहले ही नई लोकसभा का गठन होना जरूरी है। अगर वीवीपैट से सभी मतपत्रों का, ईवीएम मशीनों का मिलान किया जाएगा तो उसमें चुनाव आयोग ने बताया था कि कम से कम 12 या 18 दिन लग जाएंगे अलग से, तो इसको देखते हुए संभव नहीं लग रहा था कि इस तरह का कोई चुनाव आयोग फैसला करेगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला करेगा। हालांकि पहले से जो था कि 5% ईवीएम मशीनों का मिलान जो है वीवीपैट से किया जाना चाहिए, हालांकि वो 5% को भी इन लोगों ने कर दिया था कि एक क्षेत्र से 5 ईवीएम मशीनों के जो मत होंगे उसका मिलान कराया जाएगा वीवीपैट से, वो भी पूरी तरह से नहीं हो सका था। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शायद चुनाव आयोग पे थोड़ा और दबाव बढ़े और थोड़ी पारदर्शिता लाने की कोशिश की जाए। और ये कहा भी गया है कि आप एहतियात जितनी बरती जा सकती है, सुरक्षा जितनी सुनिश्चित की जा सकती है वो की जाए। पुष्पेश पंत जी, राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अपने अपने फायदे के हिसाब से उठाया जाता है और उठाया जाता रहा है अभी तक, क्या इसके बाद हम कोई बदलाव देखेंगे या राजनीतिक तौर पर अभी भी इस मुद्दे को उसी तरह से उठाया जाएगा? नहीं देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं जयशंकर जी से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे लगता है कि ये एक तरह से हर एक को अनपेक्षित फैसला है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, इतने दशकों से ईवीएम इस्तेमाल किए जाने के बाद बैलेट की तरफ लौटना तो कुछ पाषाण युगीन इतिहास में लौटने के जैसा हो जाएगा। और ये सिर्फ हाइपोथेटिकल मानना कि कोई मशीन है जिसमें कोई गड़बड़ की जा सकती है इसलिए ये होना चाहिए, ये भी बिल्कुल बेकार का लचर तर्क है। और 100 बात की एक बात जो आपने कहा कि जब आप जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, जब आप हारते हैं तो ईवीएम गलत है, तो पूरे चुनाव के दौरान इसको एक प्रमुख मुद्दा बनाना मेरे ख्याल में विपक्ष की लाचारी थी। और इसको विपक्ष के लिए कोई बहुत बड़ा झटका कहना भी शायद नाजायज़ होगा कि उनके मुद्दे भी अलग हैं, वो ध्रुवीकरण को लेकर हो सकते हैं, वो आम आदमी के रोज़गार को लेकर हो सकते हैं, वो शिक्षा और चिकित्सा के हो सकते हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि ये मुद्दा कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है,
तो ईवीएम वीवीपैट की मांग जो शत प्रतिशत मिलान की थी या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की थी, कई सारी याचिकाएं इसमें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें एडीआर की याचिका भी थी। उन पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम संदेह के आधार पर फैसला नहीं दे सकते। दो निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है वो पूरी तरह से सील की जाए और वीवीपैट जो है, वो वीवीपैट जो मशीन है या जो कंट्रोल यूनिट है उसकी जाँच की जाए।